झारखंड के चतरा जिले में एनटीपीसी परियोजना द्वारा बढ़ती जा रही दोहरी नीति के खिलाफ अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर विकास संघर्ष समिति के बैनर तले 6 गांव के लोगों द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन प्रदर्शन 17वां दिन बुधवार को भी जारी रहा। अनशनकारी 25 लाख प्रति एकड़ मुआवजा व 10,000 प्रति एकड़ पेंशन, विस्थापित प्रत्येक परिवार को नौकरी एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़क की मांग एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित जमीन, पेड़, कुआं, तालाब, मकान को अविलंब मुक्त कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। देना होगा, विस्थापित भूरैया को नौकरी देना होगा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अगर एनटीपीसी ने उनकी मांगों का समर्थन नहीं किया तो 28 जनवरी को ग्रामीण विस्थापित भूरैयत हल बल रैली निकालेंगे। उन्होंने बताया कि उसके बाद भी मांगे अगर नहीं मानी गई तो 1 फरवरी को आमरण अनशन करेंगे और 3 फरवरी को एनटीपीसी के कार्यों को पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा। एनटीपीसी तनवा के 6 गाँव के रैयत हम लोग 3 सूत्री मांगों को लेकर के आज 17वां दिन अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। एनटीपीसी हम लोगों को मांग पर कोई विचार नहीं किया है तो कल हम लोगों का हल बैल का रैली है और इसके माध्यम से हम लोग एनटीपीसी को और जिला प्रशासन को भी जानकारी देना चाहते हैं, देने का काम करेंगे और इससे भी नहीं हम लोग को मांग माना जाएगा तो 1 तारीख से आमरण अनशन पर जाएंगे, बैठेंगे हम लोग 6 गांव के रैयत। उसके बाद उस पर भी हम लोग की मांगों का पर विचार नहीं किया गया। एनटीपीसी का निर्माण काज, संपूर्ण निर्माण काज बंद करवा देंगे। सौतेलापन है, दोहरी नीति है एनटीपीसी का, यह दोहरी नीति हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग को संपूर्ण मुआवजा एक तरह का मुआवजा लेंगे तभी हम लोग आंदोलन से वापस जाएंगे, न तो आंदोलन मेरा चलता रहेगा और एनटीपीसी का काम 3 फरवरी से पूर्णतः बंद कर देंगे। यह हम लोग का संकल्प है। विस्थापित विकास समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 6 गांव के महिला लोग यहाँ पे धरना पर बैठे हुए हैं। 11 तारीख से धरना स्टार्ट हुआ है और 11 तारीख से हम लोग यहाँ पे सभी बेरोजगार महिलाएं बैठे हुए हैं। क्या मांग क्या आप लोग का? हम लोग को 3 सूत्री मांगे हैं, जो कि पहला मांगे हैं 1 एकड़ पर 25 लाख मुआवजा और दूसरा मांगे हैं 10,000 नोटी राशि और तीसरा मांगे हैं जो यहाँ के जितने भी भैया लोग हैं और दीदी लोग हैं जो बेरोजगार हैं उन लोग को रोजगार देना होगा। हम लोग को जब तक ये 3 सूत्री मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इस धरना प्रदर्शन में डटे रहेंगे और तीन मांगे सूत्री हम लोग ले करके रहेंगे। चाहे हम लोग के जितना दिन भी धरना प्रदर्शन करना पड़े उतना दिन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और हम लोग 3 तारीख को हमारे मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग 3 फरवरी को काम बंद कर देंगे।